नया कप्तान शुभमन गिल एक ऐसा खिलाड़ी जो इंडियन क्रिकेटर का उभरता सितारा भी, हमने पिछली बार भी बात की थी जिस तरह से हार्दिक पांड्या के बाद शुभमन आए, और मुझे याद है कि हार्दिक का जाना भी किसी भी टीम के लिए, हार्दिक सिंह प्लेयर का छोड़ना बहुत होता है, लेकिन एक अच्छे टर्म्स में वो चीज हुई। फाइनली जब पहला मैच मुंबई के साथ हुआ, आपको कुछ ना कुछ याद आया होगा, कह रहे है तो सभी अपने ही हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको बताया था, उमेश जब पिछली बार हमने बात की थी, अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ, हार्दिक हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, कप्तान थे पहले दो सीजन में, एक बार चैंपियनशिप, एक बार ही फाइनलिस्ट रही है जीटी उनकी कप्तानी के अंडर, तो उसको कोई नकार नहीं सकता उस बात को। कुछ हालात ऐसे बने भी उनको अपनी पुरानी टीम में जाना पड़ गया, कोई बात नहीं, हमारी बेस्ट विशेज उनके साथ है। हाँ, एक जो पहला ही मैच हमारा था अहमदाबाद में इस साल हमारे होम स्टेडियम पे, तो वो मुंबई के साथ था, और जो कप्तान हमारी टीम को लीड करता था वो दूसरी टीम को लीड कर रहा था। लेकिन अच्छा ये रहा भी, जिस टीम को जीतना चाहिए था वो फिर भी जीते, जो अच्छा खेले वो जीते। बिल्कुल। अच्छा, बात हुई होगी, बात होती भी है हार्दिक जब मैच के बाद, है ना, एक मिलते भी हैं, क्योंकि एक है तो अपनी, कहते हैं ना कि वो जड़ें तो अपनी रहती हैं सबकी। कैसा बातचीत हुई, क्या रहा कि एक वो टीम के साथ हैंडशेक करना, आपका कप्तान था, सिर्फ कुछ महीनों में ही चेंजेस हुए सभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, खिलाड़ी एट द एंड ऑफ द डे ये 2-2.5 महीने के लिए अलग अलग टीम्स में होते हैं, फ्रेंचाइज में जाते हैं, ये इस लेवल के जो खिलाड़ी हैं, सबसे पहले वो इंडिया के खिलाड़ी हैं। हार्दिक हो गया, शुभमन हो गया, आईपीएल में यस अलग अलग टीमों में इंडियन टीम भी खेलती है, लेकिन ऐसा अगर आप ग्राउंड पे होते, आप खुद देखते, जिस गर्मजोशी से वो हमारे सारे खिलाड़ियों से मिले, सपोर्ट स्टाफ से मिले, कोचेस से मिले, हम सब से मिले, और मैच से पहले भी और मैच के बाद भी, तो अच्छा था। और जैसा मैंने कहा, हमारी तो शुभकामनाएं हार्दिक के साथ हमेशा ही है। जब पिछली बार हम इंटरव्यू कर रहे थे आपके साथ, आपने शुभमन को लेकर भी कहा था कि एक यंग टैलेंट है और काफी उम्मीदें हैं शुभमन से। नेचुरली जब एक कप्तानी होती है, कप्तानी का अलग भार होता है, खासकर आईपीएल की बात करें या टीम की किसी भी कंट्री की बात करें, 6 मैचों में आप शुभमन को किस तरह से देखते हैं, कुछ क्या आपको खास लगा इस खिलाड़ी में कि हाँ वाकई डिसीजन सही था? जब हमने शुभमन को कप्तान डिक्लेयर किया था, ये क्वेश्चन तब उठा था, और उस टाइम पे भी हमारा जवाब यही था, हार्दिक ने भी पहले कभी कप्तानी नहीं की थी, और उन्होंने क्या करके दिखाया, जरूरी नहीं है सब ऐसे ही निखर के आएंगे, लेकिन शुभमन को जिस तरह से मौका मिला और जल्दी मिला है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी कप्तानी दिखाई है ग्राउंड पे पिछले 6 मैचेस में, आई थिंक ही इज टोटली इन कंट्रोल ऑफ द टीम, फुली इन कंट्रोल, और एक अच्छा ग्रुप जो बन रहा है, लीडरशिप ग्रुप जो बन रहा है अलॉन्ग विद जो हमारा कोचिंग स्टाफ आशीष नेहरा के अंदर बाहर है, और ऑन द ग्राउंड आपने देखा होगा जो सीनियर खिलाड़ी हैं, चाहे वो राशिद है, चाहे वो केन विलियमसन है जब वो खेलते हैं, चाहे वो मिलर है, इस तरह के खिलाड़ियों के साथ मिलके जिस कंट्रोल के साथ ग्राउंड पे वो दर्शा रहे हैं अपनी कप्तानी, आई थिंक ये बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। लंबी रेस के घोड़े हैं ये वक्त, उस टाइम मुझे याद आपने कहा था कि वाकई अच्छा। आपको क्या लगता है कि एक बड़ा खिलाड़ी है टीम में तो उसको कप्तान बना दो, लीडरशिप क्वालिटी और प्लस एक अच्छा प्लेयर, काफी अच्छा प्लेयर होना, उसमें बहुत डिफरेंसेस होता है, क्या उस टाइम आपके जहन में था टीम के? शायद वो सवाल मैंने पूछा भी था या आपने भी जवाब दिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जब जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है, सिर्फ ये सोचना कि गिल एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है लेकिन कप्तान कितना होगा, अब वो सीख भी रहे हैं शायद। देखो, सीखना, इंसान को सीखना जरूरी है, और जब किस्मत मौका देती है, आपकी काबिलियत के कारण आपको मौका मिलता है किसी टीम का कप्तान बनने का, एक अच्छा प्लेयर होना जरूरी नहीं है एक अच्छा कप्तान बन सके, और वैसे वर्षा भी ट्रू है, जैसे बोलते हैं एक अच्छा प्लेयर जरूरी नहीं है एक अच्छा कोच बन सके, या एक अच्छा कोच एक बहुत अच्छा प्लेयर रहा हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, हर एक अपना रोल होता है। शुभमन में मैंने आपने जब हम दोनों ने पहले भी बात की थी तब ये बोला था कि शुभमन को ये देख के नहीं कप्तान बनाया गया है भाई, वो एक अच्छा खिलाड़ी है सिर्फ, उसमें वो क्वालिटीज पिछले 2 साल में जो टीम ने, जो कोचिंग स्टाफ ने, जो विक्रम आशीष गैरी कर्स्टन ने जो देखा है ग्राउंड पे, ऑब्जर्व किया उनको, बिल्कुल, और वो उस लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा रहा है। देखो, ऐसे खिलाड़ी रोज नहीं आते हैं, सो उनको फ्रेंचाइज जिस हद तक उनको क्रिएट कर सकती है, मदद कर सकती है, अपॉर्चुनिटी दे सकती है, वो एक फ्रेंचाइज कर सकती है, जैसे जीटी ने शुभमन के लिए किया है। जो शुभमन ने ये 6 मैचेस में ही दर्शा दिया है, आई थिंक वो प्रूव करता है कि जो फैसला जीटी ने लिया है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त फैसला है।
अच्छा ये तो कर्नल साहब हो गई खिलाड़ियों की बात, परफॉर्मेंस, टीम, आईपीएल के सीईओ का धड़कन कब बढ़ती है? सीईओ के ऊपर मुझे लगता है कप्तान के जितना ही भार है या उससे ज्यादा होता है? नहीं नहीं नहीं, उनका प्रेशर और भार एक बहुत ऊंचे दर्जे का होता है, डेफिनेटली उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। वो ग्राउंड पे है, हमारे जैसे लोग जो बाहर होते हैं, हमारा काम होता है, जब उनका काम शुरू होता है तो हमारा काम कम हो जाता है। वो जब बात करते हैं यू नो मैनेजमेंट की, तो हम उन जैसे शुमन से भी बात होती है या किसी और स्टाफ से बात होती है तो हम बात करते हैं। हमारा आईपीएल चलता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, उसमें हमारा मैक्सिमम काम हो रहा होता है। नॉट दैट ड्यूरिंग द सीजन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मैचेस शुरू हो जाते हैं हमारा काम थोड़ा सा फ्रॉम अ मैनेजरियल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ, ऑपरेशनली बढ़ जाता है, बिकॉज वो ऑपरेशनल टीम ने जो स्टेडियम संभालना होता है वो अलग चीज है, लेकिन जो बैकएंड पे जो काम नवंबर से लेके लेट से मार्च तक वो चल रहे होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। उस टाइम पे हमारा जो जैसे जो दिल की धड़कन की जो बात कर रहे हो, लाइक एनी अदर फैन, लाइक एनी अदर सपोर्टर ऑफ द टीम, उतने ही आप इन्वॉल्व रहते हो मैचेस में जितना आप किसी टीम के लिए रहते होगे या कोई और किसी टीम के लिए रहता होगा। हम अपनी टीम के लिए उतना ही इन्वॉल्व रहते हैं और उनकी खुशी में हमारी खुशी है और हम उनके साथ हैं, चाहे वो जीतें चाहे वो हारें। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके लिए कंडीशंस क्रिएट करना कि वो अपना बेस्ट जाके डिलीवर कर सकें। हमारा काम तब तक हो चुका है, उसके बाद गाड़ी उनके हाथ में होती है। बढ़िया तो रहता है ना कि टीम जीतेगी। देखिए, इट्स ऑल अबाउट मनी, ब्रांड वैल्यू, टीम प्रिपरेशन, बहुत चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं कर्नल साहब। देखो, हर एक चीज को आप अगर मनी में तोलना शुरू कर दोगे तो वो एक तरीका है, हमारा वैसा तरीका नहीं है। हम अगर हमारी फ्रेंचाइज क्रिएट हुई है दो साल में, आपने पिछले दो साल में और इस साल में भी जो चल रहा है आपने देखा होगा, सब कुछ मनी के लिए नहीं होता है। मनी, आप एक अच्छी ब्रांड बनाओगे, एक अच्छा एक फ्रेंचाइज खड़ी करोगे, एक अच्छा फैन बेस, सपोर्टर्स, आपको जो क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन गुजरात, अराउंड द वर्ल्ड जो फॉलो करेंगे, हमारी एस्पिरेशन है टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्टिंग फ्रेंचाइज इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट गुजरात टाइटन्स है या सिर्फ आईपीएल में है। वी एस्पायर टू बी वन ऑफ द बेटर नोन, बेटर मैनेज्ड स्पोर्टिंग फ्रेंचाइज इन स्पोर्ट अराउंड द वर्ल्ड, तो वो हमारा एम है। उसके लिए अभी आप बोलो पे हर एक चीज को आप पैसे से ही तोलोगे तो फिर जो हमारी एस्पिरेशन है वो पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, बात करें कि जैसे हर एक जो फ्रेंचाइजी है सबका एक अपना अपना काम करने का तरीका अलग है, सबका एक अपना कह लीजिए स्ट्रक्चर है। जीटी को आप, अगर मैं पूछूं सीधा सा सवाल, बिल्कुल बाकी टीमों से, बाकी फ्रेंचाइजी अलग क्या क्या खास है जीटी, अगर आप एज ए सीईओ एक्सप्लेन करें उसको? आई थिंक जीटी का स्ट्रक्चर शुरू से ही एक बहुत ही प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है। हमारी जो पेरेंट कंपनी है सिर्फ आईपीएल ही नहीं या और दो तीन इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं है उनकी स्पोर्ट में, बड़े सालों से उनका इन्वेस्टमेंट है स्पोर्ट में, फॉर्मूला वन में हो गया, ला लीगा में उनका इन्वेस्टमेंट है, फ्रेंच लीग में उनका इन्वेस्टमेंट है, वर्ल्ड वॉलीबॉल में उनका इन्वेस्टमेंट है, वर्ल्ड टेनिस में उनका इन्वेस्टमेंट है, विमेन्स टेनिस लिटरली वो ओन करते हैं अभी। तो ये पहली बात नहीं है भाई, वो स्पोर्ट, तो वो स्पोर्ट को समझते हैं, स्पोर्ट के साथ साथ वो बिजनेस को भी समझते हैं, तो उसमें कोई जल्दबाजी या कोई शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए कोई ऐसा हमारा काम नहीं होता है। हम एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से, ये बात आपके साथ मैंने पिछले बार भी की थी, सुमन का एग्जांपल ले लो तो अब क्या हमने उसको सिर्फ एक सीजन के लिए, डेफिनेटली नॉट, एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। तो जीटी जो भी करता है बहुत सोच समझ के एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के साथ हर एक चीज में अपना कदम आगे, यानी कि कप्तान के तौर पर प्रोफेशनल है। कह सकते हैं कि शुभमन खाली एक सीजन दो नहीं अभी है कि जब तक वो ग्रूम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, टीम फ्रेंचाइजी सेटिस्फाई है। हंड्रेड परसेंट बिल्कुल, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। वो क्यों नहीं होंगे, कौन, आपने खुद देखे उनकी लीडरशिप क्वालिटी जो उन्होंने मैच पे ग्राउंड पे दिखाई है, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड दैट इज व्हाट जो कैप्टन से आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट और आगे चल के तो और बहुत कुछ करना है। अच्छा, दर्शक ना कई बार मैसेज भी करते हैं हमें इंटरव्यू के दौरान, जब वो नीचे आते हैं ना, टेक्स्ट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि आप ये भी पूछिए, ये भी पूछिए। मुझे याद है एक फैंस पूछ रहे थे कि टीमों का ख्याल कैसे रखते हैं, कि टीमों का आपकी, मुझे सुनने में आया कि आप पूरा टीम को कम्फर्ट जोन है, चाहे उनका ट्रैवलिंग हो, चाहे उनका होटल हो, बाकी टीमों की तरह भी आपका मुझे लगता है कुछ ज्यादा है कि चार्टर्ड में ही टीम रहे हमारी। नहीं, देखो अगेन, हर एक फ्रेंचाइज का, हर एक टीम का काम करने का तरीका अपना होता है, तो आई डोंट थिंक उसके बारे में मैं कोई कमेंट करूंगा। मैं अपनी फ्रेंचाइज और अपनी टीम के बारे में जरूर कह सकता हूं,
आप इसको दो तरीके से देख सकते हो, या तो बोलो पे आप उनको आप कंफर्ट दे रहे हो, या आप उनको बोलो पे आप वो कंडीशंस क्रिएट कर रहे हो पे उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ खेलने की ओर रहे, पे उनको छोटी मोटी चीजों के लिए ट्रैवल होटल ये वो उसके बारे में किटिंग सामान जो भी बाकी चीजें उनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जीटी उनको मालूम है उनका ख्याल उन चीजों पर रखेगी। तो हमारी सोच दूसरी तरह की है, हम अपने प्लेयर्स का अपनी टीम का हरेक का नॉट ओनली प्लेयर्स